Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 6, Verse number 36. Bhagavan Sri Krishna ke mukharin se nikle hue in atyant hi mahatvapurna shabdon ko mere saath saath ucharan karne ka prayas kijiye. Bhagavan kehte hain, asamyatmana yogo dushprapa iti nemati vashyatmana tu yasada shakyo vaktum upayatah asamyatmana yogo dushprapa iti nemati vashyatmana tu yatata shakyo vaktum upayatah asamyatmana yogo dushprapa iti nemati vashyatmana tu yatata shakyo vaktum upayatah asamyatmana yogo dushprapa iti nemati vashyatmana tu yatata shakyo vaktum upayatah asamyatmana yogo dushprapa iti nemati vashyatmana tu yatata shakyo vaktum upayatah asamyatmana yogo dushprapa iti nemati vashyatmana tu yatata shakyo vaktum upayatah. Shabdo ka arth asamyata, uchinchil, uchinkhal, atmana arthat man ke dwara, yogah atma sakshatkar, dushprapah prapt karna kathin hai. Iti is prakar mein mera mat hai. Vashya vashibhut atmana man se tu, लेकिन यतता प्रयत्न करते हुए शक्य व्यवहारिक अवाप्तुम प्राप्त करना उपायतः उपयुक्त साधनों के द्वारा. अनुवाद: भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन उच्च श्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद की जय हो. श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके. भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो. मन का निग्रह किए बिना योग अभ्यास संयम का समय का उपव्यय है. योग का ऐसा दर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है ये सब व्यर्थ है. अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे. कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है. कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त उपाय प्रयास के ही
योग अभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योग्याभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपम् सकृशातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तत्कांचनं गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिभानो सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरम् श्रीवासदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। भगवान अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने जो प्रश्न किया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि जीव तब तक योग अभ्यास में स्थिर नहीं हो सकता जब तक कि उसका मन स्थिर नहीं होगा, लेकिन मन को वश में करना तो बहुत कठिन है। संचरम ही मन कृष्ण प्रमार्थी बलवत्थम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रिवसु दुष्करम। तो भगवान ने उसका उत्तर देते हुए कल हमें श्लोक नंबर 35 में बताया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चरम। मैं मानता हूँ अर्जुन, इस हठीले मन को वश में करना बहुत कठिन है, परंतु अभ्यास न तो कौनतेय वैराग्येण च गृह्यते। कठिन है परंतु असंभव नहीं है,
यदि तुम अभ्यास करोगे और वैराग्य को अपनाओगे, तो ये एक दो विधि बताई भगवान ने कल हमें, कि पहले अभ्यास करना है, हर नाम का जप करना है, कथा का श्रवण करना है, प्लस क्या करना है कि उन वस्तुओं और उन व्यक्तियों से वैराग्य रखना है जो कि हमारी भक्ति के लिए रुकावट बनते हैं। तो आज भगवान ने इतना ज्यादा परिश्रम करने के लिए कहा है कि मन को आपको वश में करना है, ये मुश्किल है पर तो फिर भी करना है, ये संभव है। और आज भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, मैं मानता हूँ कि नो डाउट इट इज वेरी डिफिकल्ट बट इट इज नेसेसरी। मैं मानता हूँ कि बहुत कठिन है, लेकिन फिर तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ करने के लिए क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर तुम मन को वश में नहीं करोगे तो क्या होगा? भगवान कहते हैं असंयतात्मना योगो। अगर मन को कंट्रोल, असंयता, अगर तुमने अपने मन को आत्मना का मतलब होता है मन के द्वारा, अगर तुम्हारा मन उच्छृंखल यानी कि अनकंट्रोल्ड है और वो हर जगह पर जाता है, भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है, तो योगो दुष्प्राप, योग करना, आत्म साक्षात्कार करना असंभव है। अगर मन कंट्रोल नहीं हुआ तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, इन्हें हमने पढ़ा था ना श्लोक नंबर 6 में, भगवान ने अत्यंत ही सुंदर बताया था। भगवान ने कहा बंधन आत्मन मनस्तस्य येनात्मैवात्मनासिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थात ये मन ही जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है और यही मन सबसे बड़ा मित्र भी है। जिसने मन को जीत लिया है, बंदर आत्मनात्मनस्तस्य, जिसने मन को जीत लिया है वो तो उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, परंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है वो अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, वो इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों शत्रु है? क्योंकि फिर जो मन जीता नहीं हुआ है, और इसका भगवान उत्तर दे रहे हैं योगो दुष्प्राप्य, फिर योग जो है वो उसके लिए असंभव हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है योग करना भगवान के साथ। तो इसलिए मन को जीतना भले ही बहुत मुश्किल है पर आवश्यक है। भगवान कहते इति मे मत, ये मेरी राय है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि यदि मन को कंट्रोल नहीं किया फिर योग नहीं कर सकते, और योग नहीं कर सकते तो जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा भौतिक वस्तुओं की कामनाओं को करते करते करते। और भगवान आगे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, यदि इसको वश में करना इतना ही आवश्यक है तो कैसे करें? भगवान कहते हैं वश्यात्मना तो यतता, यतता का मतलब होता है आपको यत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मन यदि वश में नहीं है तो उसको छोड़ दो, भाई वश में ही नहीं है क्या करूं, मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। नहीं, भगवान कहते हैं प्रयत्न तो करो, वश्यात्मना आप अपने मन को वश में करने का प्रयत्न करो। कैसे करो? फिर भगवान ये भी बताते, भगवान कहते हैं शक्यो वाप्तु उपायतः, ये संभव है लेकिन उसके लिए तुम्हें, शक्यो का मतलब होता है यह व्यावहारिक है, ये प्रैक्टिकल है, लेकिन कैसे करना है? अगर आप उपाय को खोजते हो, उपायतः का मतलब होता है उपयुक्त साधन द्वारा आपको इसको कंट्रोल करना है। अब उपाय कहाँ से हम आना खोजें? ऐसा नहीं है, अब देखो जैसे अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है और उसको बोलना है कि भाई, उसको हमने बोल दिया कि देखो सिगरेट पीना हानिकारक है तो आप नहीं पियो, तो वो बोलेगा ठीक है मुझे सिगरेट पीने का भले मैं पीता हूँ लेकिन मुझे अपने मन के ऊपर कंट्रोल है, मैं उसे जब चाहूंगा छोड़ दूंगा। तो जब वो छोड़ने की इच्छा करता है तो एक दिन छोड़ेगा तो उसके मन में इतनी सर दर्द होगा या फिर इतना इच्छा तीव्र होती जाएगी, फिर वो वापस से उसको शुरू कर देगा। तो फिर उससे पूछेंगे कि भाई आपने छोड़ा था फिर क्यों शुरू किया, तो क्या बोलेगा कि मैंने अपना मन बदल दिया, बस मुझे अब लगा कि मैं नहीं छोड़ू। इससे मैंने वास्तव में उसने अपना मन नहीं बदला,
बल्कि उसके मन ने उसको बदल दिया कि तुम नहीं रह सकते इसके बगैर, तुम्हें वो करना पड़ेगा। उसी तरह से कोई भी अपराध, कोई भी विकार, काम क्रोध इत्यादि हमारे हृदय के अंदर आते हैं, तो केवल ये इच्छा कर लेना कि मुझे ना ये नहीं करना है, भगवान कहते वो काफी नहीं, आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके लिए उचित उपाय खोजना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा है वश्यात्मना तु यतता, आपको वश में करने का यत्न करना है, शक्यो वाक्तु उपायतः, उपाय खोजना। और उपाय क्या है? वास्तव में मन को एकाग्र करने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। लेकिन भगवान की भक्ति में भी हर एक कार्य का, हर एक के हृदय में व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रहा? जैसे कुछ भक्त जो होते हैं वो कीर्तन के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, कुछ भक्त शास्त्र के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, और कुछ शास्त्र में भी, किसी को भगवद गीता के प्रति रुचि होती है तो किसी को भागवत महापुराण को पढ़ने में या श्रवण करने में उसकी रुचि होती है, कोई लोग को ना भगवान के श्रृंगार में रुचि होती है। लेकिन जो भी चीज, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सारी चीजों को एक साथ अच्छा करने का प्रयास करें, है ना। हर एक चीज को हम, क्योंकि अब वैसे तो सबको हमें अच्छा करना है, भक्ति के सारे नियम को हमें अच्छे तरीके से फॉलो करना है, लेकिन क्योंकि अभी हम वृद्ध अवस्था में हैं, तो हमारी रुचि, हमारा आकर्षण किसी एक चीज में होता है। जैसे किसी को श्रवण करने का होता है कि, तो किसी को कीर्तन करने का मन होता है, और उससे क्या होता है, उसकी भक्ति दृढ़ होती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है ये देखना कि वो कौन सा कार्य है भक्ति का या कृष्ण से संबंध जोड़ने का, जिससे आपकी भक्ति में उन्नति हो रही है, जो कार्य आप कर रहे हो और वो कार्य करने से नाम जप में आपकी रुचि हो रही है ना, वो कौन सा कार्य है जो आप अच्छे तरीके से कर रहे हो तो विग्रह सेवा में रुचि हो रही, वो कौन सा कार्य है जो आप कर रहे हो तो उससे आपको है ना हर कीर्तन करने में रुचि, मतलब उस जो वस्तु या जो कार्य आपको भक्ति में बहुत ज्यादा आकर्षण है, जिसमें कम से कम उस काम को करने में हमें सीरियस होना, एकदम गंभीर होना है कि ये काम, चाहे जैसे किसी को अगर श्रवण करने के प्रति बहुत रुचि है तो मन में यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही बिजी हो जाऊंगा, तो मैं आधा घंटा श्रवण जरूर करूंगा, क्योंकि श्रवण नहीं करूंगा तो मेरा जप अच्छा नहीं होगा, है ना। जप करना मेरे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और मैं श्रवण करता हूँ तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा रुचि होती है। लेकिन अगर कोई विग्रह सेवा कर रहा है लेकिन उसका मतलब विग्रह सेवा कर रहा है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है भगवान के पवित्र नाम के जप करने में, तो फिर समझो वो कुछ ऐसा उपाय ढूंढे जिससे वो विग्रह सेवा भी करे और साथ साथ में भगवान के पवित्र नाम का जप करने में उसे रुचि हो। तो श्रवण हम किसे कर रहे हैं कि जप में रुचि, क्योंकि ये कलयुग जो है वो भगवान के पवित्र नाम का युग है। हा? कलयुग का युग धर्म क्या है? भगवान का नाम। तो जिस कार्य को करने से हमारी नाम में रुचि होती है वो कार्य हमें बहुत गंभीरता से करना, उससे क्या होगा, उससे अंतरंग शक्ति प्राप्त होगी, और ऐसा अंतरंग शक्ति प्राप्त होगी जिससे हम बाकी सारे कार्यों को भी अच्छा तरीके से कर सकेंगे। क्योंकि जब तक हमारे अंदर अंतरंग शक्ति नहीं होगी तो हर चीज को दृढ़ता से जीव नहीं कर सकता। कोई भी एक चीज जिससे हमको शक्ति प्राप्त होती है, जिसमें हमारी अधिक रुचि है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्म निवेदनम, इस किसी भी उसमें से भक्ति के एक अंग में यदि हमारी बहुत आकर्षण है, हमारी बहुत इच्छा है, तो उस कार्य को बहुत गंभीरता से करेंगे तो शक्ति प्राप्त होगी। वास्तव में भक्तों, जब जीव भक्ति में आना चाहता है, अभी स्टार्ट जब होता है ना, तो हमारी चार प्रकार की स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज क्या होती है, जब उसे भक्ति, वो जब भौतिक वस्तुओं से बहुत ज्यादा उकता जाता है, सबसे पहले तो
फर्स्ट एट, जब भौतिक वस्तुओं में उसे लगता है कि ये सब जो भी मुझे भौतिक प्राप्त हो रहा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ, और संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ तो मुझे कोई और वस्तु के लिए जहाँ से मुझे आनंद प्राप्त हो और कोई चीज के लिए खोज करनी है, और जब वो खोज करने निकलता है तो उसे केवल भगवत धाम, भगवत भक्ति ही दिखती है, क्योंकि वहाँ पर उसे आनंद प्राप्त होता है। लेकिन जब तक वो फर्स्ट एड नहीं होता है, जब तक भौतिक वस्तुओं से उसका आकर्षण समाप्त नहीं होता, तब तक वो भगवान की ओर मुंह नहीं करता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इसी में आनंद है, इस चीज में नहीं आ रहा है तो आगे दूसरा खेल होगा, दूसरी माया का दूसरा खेल अभी खेलेंगे, उसमें आनंद आएगा। किसी को धन प्राप्त करके, किसी को ऐश्वर्य प्राप्त करके, किसी को सुंदरता प्राप्त करके, किसी को यश प्राप्त करके, भौतिक संसार में इन्हीं वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जीव सदैव संघर्ष करता रहता है, और प्राप्त क्या करता है उसकी बदली में आहार निद्रा बल मैथुन, वही कुत्तों और जानवरों के जो उनकी एंजॉयमेंट की जो चीजें हैं वही प्राप्त करता है। और उसे जब बाद में रियलाइज हो जाता है कि इसमें तो वो आनंद है नहीं जो मेरी आत्मा को तृप्त कर सके, जैसे अगर हम किसी एक ऐसे फंक्शन में जाएं जहाँ पर एक नर्तकी नृत्य कर रही है और उसको सिर्फ चार स्टेप ही आते हैं करने वाले, तो चार स्टेप वो करेगी, वापस करेगी, वापस करेगी, वापस करेगी, वापस करेगी, वही चार स्टेप देख देख के जी बोर हो जाएगा, फिर क्या करेगा, अभी वो उठने वाला होगा तो नर्तकी क्या करेगी, उसको वही चार स्टेप में से कोई एक दूसरा सा छोटा सा ऐसे करतब दिखाएगी तो वो व्यक्ति सोचेगा शायद अब नया करने वाली है, तो वापस बैठ जाएगा, फिर वापस वो क्या करेगी, वही चार स्टेप दोहराएगी वही, क्योंकि उसको दूसरा कोई खेल आता ही नहीं, फिर वापस वो उठने वाला होगा तो वापस से कोई एक छोटा सा दिखाएगी टोटका, उसको ऐसा लगे कि ये बैठ जाए बस, वापस मेरा आकर्षण समाप्त न हो जाए, क्योंकि अगर वो चला गया तो उसका माया का खेल तो फ्लॉप हो जाएगा, तो थोड़ा सा ऐसे आकर्षण दिखाती है, उसके बाद वापस से वही चार स्टेप करते। उसी तरह से ऐसे करते 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 एक दिन जीव के अंदर बुद्धि आ जाती है और उसे ये रियलाइज होता है कि इस नर्तकी को तो सिर्फ चार स्टेप ही आते हैं, जब मैं उठने वाला होता हूँ तभी कोई नया स्टेप करके दिखाती है और फिर वापस में बैठ जाता और फिर वापस से वही मुझे बोरिंग मिलता है। तो उसी तरह से जीव इस संसार में माया से जो ये प्राप्त हो रहा है ना उसको, वो उससे पहले वो भोगता है, फिर जब वो भोग के बेजार हो जाता है, पुनः पुनः वही उसको प्राप्त होता है, तो माया क्या करती है, कोई एक ऐसी गुलाटी मारती है, जीव सोचता है नहीं अभी कुछ नया मिलने वाला है, लेकिन फिर वही आहार निद्रा बाई मैथुन को अलग स्टाइल से उसको मिलता है, वही करते, क्योंकि जीव को पता है इसमें तो आनंद आएगा ही नहीं, ये सब तो मेरे भौतिक देह को आनंद प्राप्त प्रदान करने वाले हैं, आत्मा तो इससे संतुष्ट होने वाली नहीं है। फिर जब बुद्धिमान हो जाता है जीव, थोड़ी सी उसकी बुद्धि आ जाती है, फिर वो भौतिक जगत से बाहर निकल कर आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होता है। फिर जब वो आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होता है तो उसको कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ता है और उसके पास चार स्टेजेस आती हैं। पहला स्टेज क्या होता है, संघर्ष के बगैर हार। जैसे ही वो नया भक्त भगवान के भक्तों की संगति करता है और भक्तों के द्वारा उसे ये पता चलता है कि यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो चार नियम का पालन करना होगा और मंगल आरती पे उठना होगा, 16 माला जप करना होगी और ना गुरु आज्ञा का पालन करना होगा, दीक्षा लेनी होगी, तब ये जब सुनता है वो सुन के फौरन ही हार जाता है कि नहीं भाई मैं तो इतना अपराधी हूँ, मुझसे ये सब होगा नहीं, और वो संघर्ष करता ही नहीं है। और दूसरी स्थिति क्या होती है कि वो संघर्ष करता है मगर फिर भी हार जाता है, है ना, जैसे कोई भक्त तो बोलता है भाई ठीक है अभी नया है, वो भक्ति में आता है और सोचता है कि अब मैं ना टीवी नहीं देखूंगा, सोचता है, संघर्ष भी करता है, या फिर कोई और वस्तु के लिए बोला भी अब से मैं चाय नहीं पीऊंगा, या फिर कोई ऐसा फिजिकल किसी के साथ रिलेशन नहीं रखूंगा, गर्ल्स के साथ है ना इतना ज्यादा, तो फिर वो इसे संघर्ष भी करता है मगर फिर भी हार जाता है, तो ये दूसरा स्टेज है। लेकिन तीसरा स्टेज क्या होता है कि वो संघर्ष करता है
बहुत संघर्ष करना पड़ता उसे और एटलीस्ट उसको जीत मिल जाती है। और जीत कैसे मिलती है, क्योंकि उसने निष्ठा के साथ संघर्ष किया। अब उसके बाद क्या होता है, चौथा स्टेज क्या होता है कि सहज विजय। उसको संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती क्योंकि उसको भक्ति में आनंद आने लगता है खुद ही। और जो भौतिक जितने भी प्रलोभन है वो उसे आकर्षित नहीं करते। और उसका कारण क्या है, क्योंकि उसके पास अंतरंग शक्ति उसने अपनी इतनी बढ़ा ली है कि भौतिक वस्तुएं जो हैं वो उसे आकर्षित नहीं करती हैं। इस चीज को हम एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि हाथी होता है, एक हाथी हो उसके अंदर बहुत बल होता है। वो यदि जंगल में जाता है तो बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े वृक्षों को अपने एक चोट से गिरा सकता है, बहुत उसके अंदर बल होता है। लेकिन उसी हाथी का एक छोटा सा बच्चा यदि पैदा हो और उसको कोई पकड़ ले जाए, जो खिलाड़ी होता है ना वो पकड़ के अपने घर ले जाए और उसको जंजीर से बांध देता है। अब उसके पास भी बल है लेकिन क्योंकि अभी वो छोटा सा है उसके पास इतना ज्यादा बल नहीं है, तो वो क्या करता है कि खिलाड़ी उसके पैर में जंजीर बांध देता है। वो बहुत तड़पता है, बहुत प्रयत्न करता है, संघर्ष करता है निकलने का, बहुत संघर्ष करता है, अपने पाँव को खींचता, लेकिन क्योंकि उसका पाँव लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है इसलिए उस बंधे हुए पाँव में इतना ज्यादा ब्लड निकलने लगता है, जख्म हो जाता है। और वो एक दिन ऐसा आता है कि वो संघर्ष करना छोड़ देता है। वो सोचता है कि मेरे लिए यह संभव नहीं है, इसलिए वो छोड़ देता है। लेकिन ऐसे अब उसने क्योंकि पहले बहुत ज्यादा संघर्ष किया और उसको संघर्ष करने के बाद भी हार ही प्राप्त हुई, तो अब वो जब बड़ा हो जाता है ना, जब बहुत बड़ा हो जाता है, फिर वो खुले मैदान में भी हाथी उसको लेकर जाएगा, एक छोटी सी रस्सी से बांध देगा। हालांकि उसके अंदर अब इतना बल उसको प्राप्त हो गया है कि वो इस वृक्ष को भी उखाड़ सकता है, तो ये रस्सी की क्या बात है। लेकिन वो क्योंकि उसने पहले संघर्ष किया था और हार मान ली थी इसलिए अब वो संघर्ष ही नहीं करता। तब उस समय यदि कोई उसको ये याद दिलाता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, तुम कर सकते हो, तुम हारोगे नहीं, अब तुम बहुत बलवान हो गए हो, तब उसको जब ये रियलाइज होता है कि हाँ मेरे पास बहुत बल है, अब मैं ये छोटी सी रस्सी से नहीं बंधूंगा, तब वो उस रस्सी को तोड़कर आगे निकलता है। उसी तरह से भक्तों, अनेक अनेक जन्मों से हम अपने इन भौतिक जितनी भी कठिनाइयां हैं उनसे संघर्ष करते 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 थक गए हैं। इसी जब भक्ति में आने के विषय में सोचते हैं, अब मनुष्य देह है, मनुष्य के अंदर इतना पावर होता है कि वो देवताओं से भी आगे निकल सकता है। देवता लोग भी सदैव ये याचना करते हैं कि भगवान हमें मनुष्य का देह प्रदान करो जिसमें कि हम अब इस भाव रोग से, इस जो जन्म मरण का चक्कर, जो संस्कृति है उससे बच सके। परंतु क्योंकि इतने सारे जन्मों से वो संघर्ष करता हुआ आ रहा है और अब उसको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं कर सकता, संघर्ष के बगैर ही वो हार मान लेता है। लेकिन वास्तव में रियलिटी क्या है, वी नेवर लूज टिल वी लूज द होप। हम तब तक हारते नहीं है जब तक कि हम आशा न हार जाए। तो हमें हर समय उत्साह बनाए रखना है, संघर्ष करते रहना, संघर्ष के बगैर हारना नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जैसे भौतिक वस्तुओं की इच्छा, जैसे किसी को अब भक्ति में जब आते हैं, चलो ठीक है, वो सोचता है कि नहीं अभी मुझे दृढ़ता के साथ संघर्ष करना है, करना है, करना है, और इसे करने के बाद वो आता है भक्ति में, चार नियम को फॉलो करता है, तो ऐसा होता है कि वो सोच लेता है कि बस करना है तो करना है, मांस नहीं खाना तो नहीं खाना। अब इतना ज्यादा घिन आने लगती है उस व्यक्ति को उस मांस से, अगर कोई और भी खा रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है, रिमेट करने का दिल करता है कि क्यों खा रहे हैं। हालांकि वो पहले खाता था, उसकी पहले आकर्षण था, लेकिन अब भक्ति में आ गया तो उसकी ओर आकर्षण खत्म हो गया। उसी तरह से नशे की, सिगरेट पीना और शराब पीना, उसका भी आकर्षण स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है काम वासना का जो आकर्षण है और भौतिक दूसरी वस्तुओं का आकर्षण, उन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि बाकी जितना भी आकर्षण था, जैसे टीवी देखना,
मैच देखना या फिर है ना जुआ खेलना, और ये सब क्या है, इस जन्म का आकर्षण है। वो केवल इसी जन्म का है तो वो फटाफट से जी उसका परित्याग कर सकता है, लेकिन काम वासना एक जन्म का आकर्षण नहीं है, वो तो पिछले हर जन्म में जीव उस काम वासना में गिरा हुआ था तो उससे अक्सर हार जाता है। ये कैसे है, जैसे हमने कल है ना वो खारिश वाली खुजली वाली जो मिसाल दी थी, यदि किसी व्यक्ति को खुजली हो जाए, डॉक्टर उसको दवाई दे तो दवाई से क्या होगा कि वो उसकी खुजली ठीक हो गई, ठीक है, बाकी सारी खुजलियां उसकी ठीक हो गई, अब वहाँ पर वो खुजाता भी नहीं है, लेकिन अगर एक थोड़ा ऐसा है कि वो वहाँ पर दवाई भी लगाता है वापस भी खुजाता है दवाई, तो खुज क्योंकि बाकी सारियों को खुजाना छोड़ दिया, जैसे शराब पीना, नशा करना और है ना जुआ खेलना, मांसाहार, इसको तो खुजाना ही छोड़ दिया, वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा, लेकिन काम वासना में यदि उसकी अभी तक प्रवृत्ति लगी हुई है तो फिर वो अक्सर हार जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हो तो आप संघर्ष करना छोड़ो। भगवान क्या कहते हैं कि वैश्यात्मना तो यतता शक्यो वातो उपायता, कि आपको फिर भी प्रयत्न करना। तो भक्ति के अंदर हमें वो वस्तु खोजनी है जो हम करें और हमारा बल बहुत ज्यादा भक्ति के प्रति हम संघर्ष करने के लिए और भी बल प्राप्त करें, अंतरंग शक्ति प्राप्त करें। और जब वो कैसे होगा, जब हम ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे जैसे जो बहुत शुद्ध भक्त होंगे, जिनका काम वासना की ओर कोई आकर्षण नहीं होगा, जो ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत्य संग त्याग यही वैष्णव आचार, कि हमें सबसे पहले क्या करना है, असत्य संग को त्याग करना है। असत्य संग त्याग यही वैष्णव आचार, कि वैष्णव को सबसे पहले भक्ति में आकर ऐसे असत्य का त्याग करना है। और वो कौन से है, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आ, कि वो व्यक्ति जो स्त्री संग में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं और प्लस कृष्ण के भक्त नहीं है, तो इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण के भक्त हैं और भौतिक वस्तुओं में आकर्षण नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों का यदि हम संग करेंगे, ऐसे भक्तों का संग करेंगे, हरिनाम का जप करेंगे, तो हमारे अंदर पावर आएगा और निष्ठा उत्पन्न होगी कि ये सब कर रहे हैं तो मैं भी कर, वरना तो अगर हम ऐसी सोसाइटी में रहेंगे जिनमें हमें लगेगा कि ये सब फिर से कोई नहीं कर रहा, फिर मैं किसी तरह से, बच्चे भी बोलते हैं कि भाई हमारी क्लास में कोई भी माला नहीं करता, तुम बताओ मेरी मेरी एज का कौन सा बच्चा माला कर रहा है, आप मुझे बोलते हो माला करना, तो ऐसी सोसाइटी अपना ऐसा एसोसिएशन बनाना है जिसमें कि हमें ऐसे भक्तों का संग मिले जो सुबह प्रभात साधना करते हैं और सवेरे सवेरे अपना जप कंप्लीट करते हैं, श्रवण करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर अंतरंग शक्ति प्राप्त होगी। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है कि सहज विजय, फिर क्योंकि इतना भक्ति में रस आनंद आने लगेगा, रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, कि जब इतना उसको टेस्ट मिलने लगेगा तो फिर भौतिक वस्तुएं जो है वो उसको कोई प्रलोभन उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा ही नहीं। तो भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं, भगवान कहते हैं कि आपको अपने मन को अवश्य कंट्रोल करना है। असौ यतात्मनात्मानो असौ यतात्मना योगो योगो दुष्प्राप्त इति मे मति, मेरा यह मत है कि अगर आपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो योग को प्राप्त करना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए वश्यात्मना तो यतता आपको यत्न करना है शक्यो वातो उपायते, और वो उपाय आपको खुद खोजना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो उपाय खोजो जिससे कि आपका मन स्थिर हो सके। तो भगवान श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ने यहाँ पर एकदम डिक्लेयर कर दिया है, घोषणा कर दी है कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग नहीं करता है, भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों के आकर्षण को खत्म नहीं करता है और उसका समुचित उपचार नहीं करता है, उसे कभी भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, शायद ही सफलता प्राप्त हो, यानी कि बहुत मुश्किल है उसके लिए। और बहुत ही सुंदर श्लोकोपाद जी कहते हैं कि भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास, कि भक्ति जो है वो एक अग्नि है और अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए आपको उसमें
क्या डालना है, ईंधन डालना है। ईंधन डालने के ईंधन क्या है कि भक्तों का संग डालना, हरी भगवान की कथाओं को श्रवण करना और ऐसी भौतिक ऐसी चीजें, यानी कि भक्ति में जो हमें आकर्षण जिनसे मिल रहा है भक्ति का, कि है ना भगवान के पवित्र नाम का जप करना, कथाओं का श्रवण करना, भक्तों का संग करना, यात्रा पवित्र स्थानों की यात्रा करना, वो ना करके बल्कि वो क्या कर रहा है भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षण करेगा। तो ये इसे ही है कि जैसे उसमें ईंधन नहीं डालने बल्कि जल डाल दें और जल डाल के सोच रहे हैं कि भाई भक्ति की जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर भक्ति को भक्ति की अग्नि को प्रज्वलित करना है तो उसके अंदर जल नहीं बल्कि ईंधन डालना पड़ेगा। मन का निग्रह किए बिना योग अभ्यास समय का अव्यय है, उपव्यय है, यानी कि उपव्यय यानी कि बर्बाद कर दिया। आप मन समय मन को वश में नहीं कर रहे हो, बाकी योग के जो आसन कर रहे हैं जैसे आजकल, तो उससे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भले तुम्हारा शरीर थोड़े टाइम के लिए दृढ़ हो जाए, दृष्टि भौतिक दृष्टि से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आत्म साक्षात्कार में उसका कोई भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल व्यर्थ समय है। क्योंकि योग अभ्यास का मेन मकसद क्या है, आत्म साक्षात्कार, और तब तक संभव नहीं जब तक कि मन वश में नहीं हो। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर अपने मन को उसमें लगाकर उसे वश में करे, और ये केवल एक तरीका है कि भगवान की भक्ति से ही हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया है कि कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। सोचो ही नहीं कि भगवान की भक्ति किए बगैर भी हम अपने मन को स्थिर कर सकते, क्योंकि प्रलोभन जो है वो आते रहेंगे जब तक कि उसे हायर टेस्ट नहीं मिलेगा। और कृष्ण भावनामृत व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योग अभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है। फिर वो जब भी कृष्ण भावना भावित हो जाता है, भक्तों का संग करता है, कथा का श्रवण करता है, नाम का जप करता है, और इस तरह से वो भले दूसरा योग अभ्यास नहीं भी करता है, लेकिन फिर भी अपने मन को बहुत ही सरलता से सहज विजय प्राप्त हो जाती है। किंतु योग अभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। अच्छा, भगवान श्री प्रभुपाद ने बताया कि योग करते रहो, लेकिन यदि भक्ति नहीं करोगे तो मन नहीं लगेगा तो सफलता प्राप्त होगी नहीं, लेकिन अगर भक्ति करोगे तो योग नहीं करोगे तो भी आपको सहज सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा वो कार्य करें जिससे कि हमारा मन भगवान के श्री चरणों में भगवान के पवित्र नाम में लगे, और वो कौन सी भक्ति का कौन सा अंग हम अपना रहे हैं जिससे कि हम हमारी भक्ति में उन्नति हो रही है, हमारे कृष्ण प्रेम में उन्नति हो रही है, ये देखना हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना में सुदृढ़ हो सकूं।